दोस्तों 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आपके डिमांड पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेंस की फुल फ्लेज वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं, आप प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। कोई आपको टेंस सीखने से नहीं रोक सकता। सीखोगे तो क्या औरों को भी सिखाओगे। आपने कभी इस तरह से टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा, आपका आज दूसरा जन्म होने वाला है। तो कमर कस लीजिए पेन और कॉपी के साथ और मेरे साथ चलिए टेंसेस को सीख। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही तो बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वो कौन से समय में हो रहा है वो बता देते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। लिखकर भी देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो काम तो हो गया पढ़ाने का। और आप समझ गए कि पढ़ा रहा हूं कोई से वक्त में हो रहा है, कोई से समय में हो रहा है। तो टेंसेस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या कोई और भी चीज है यहां पे जो मिसिंग है? जी हां, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता, ये हमें बताते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो यानी टेंसेस में हम देखेंगे कि टाइम और वर्क। जी हां, कि टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या हो चुका है। अब कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि ये भी जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय में हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको और समझेंगे कि ये सेंटेंस हमने लिखा था मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब जो हूं वर्ड था तो हिंदी में था तो हम समझ गए कि ये अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, अभी में काम हो रहा है। अच्छा वो कितना हो रहा है? अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। अब इन दो बातों को ही लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है उसका स्टेटस। अब बात करेंगे आगे की कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो चीजों पे फोकस करना है ना हमें, टाइम और वर्क, दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। रटते तो आप सालों से आ रहे हैं, तो क्या सीख गए? नहीं सीखे ना। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम तीन तरह का ही तो होता है। कौन कौन सा? एक तो जो बीत गया सो बात गई, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोल देते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ वक्त। आप पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले तो वो पुरानी बात हो गई, तो यानी वो पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट। ये मैं अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, कोई भी अभी इंग्लिश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको भी पता है कि कौन से वक्त कितने जो वक्त है कितने टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, वही हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में है, और कोई सा भी होता है क्या? हाँ होता तो है, अभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, करोगे यानी फ्यूचर में, अभी ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ये भी तो फ्यूचर है आपका। तो एक हो गया हमारा फ्यूचर जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो टेंस को तो मैंने कैटेगराइज करने की खूब कोशिश करी कि मैं और भी बढ़ा लूं इसको, इसके टाइप और बना दूं, लेकिन मुझसे तो बने ही नहीं, कि ये बने सिर्फ तीन। एक तो जो समय चला गया जिसे मैंने कहा पास्ट, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे बोलेंगे हम फ्यूचर। अब फिर वही बात दिमाग में आई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो दो चीजों को बताते हैं, एक टाइम कि वो काम कौन से समय में हो रहा है वो, और दूसरा वर्क भी तो है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं,
काम तो पूरा भी हो सकता है। मेरे को कहना है आपसे, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर एग्जाम्पल था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने लिख दिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो पढ़ाने का काम था वो पूरा हो गया है, बिल्कुल पूरा हो चुका है, तो वर्क जो था वो भी वो बदल गया, पहले चल रहा था अब कंप्लीट हो गया, तो यानी वर्क के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो वर्क में मैंने देखा, एक तो मैंने देखा कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, ठीक है। एक और टाइप बनाया मैंने, मैंने उसको बोला परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, या मैंने आपसे कहा कि परफेक्टली हुआ, यानी कोई भी कमी उसके अंदर नहीं बची, वो अधूरा नहीं है किसी भी तरह से, उसे हमने बोला परफेक्ट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि काम परफेक्ट है, उसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, और एक और भी तो हो सकता है, कौन सा हो सकता है देखते हैं ना। एक मैंने बोला इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का मतलब यहां पर क्या हुआ सर? इनडेफिनिट सुना सुना है क्या? हाँ, एक वर्ड सुना है मैंने, डेफिनेट, डेफिनेटली करूंगा ये काम, निश्चित ही करूंगा, यानी डेफिनेट का मतलब हो गया पक्का, और इनडेफिनिट उसका उल्टा, यानी इनडेफिनिट जो पक्का नहीं है, अनिश्चित, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। तो कोई काम ऐसा जो पक्का नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है। अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी आप सिर्फ एक मोटी मोटी नॉलेज ले लें, एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें करनी है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि टेंस कितना तरह के होते हैं, टेंस होता क्या है, और टेंस में हमने इनको बांटा टाइम और वर्क में, और टाइम के बेस पे हमने बांटा, और आप वर्क को वर्क के बेस पे बांट रहे हैं, इतना ही तो करा हमने। तो आइए इंडेफिनिट भी देख लिया, तो अभी तक तीन बांटे, एक काम कौन सा हो गया जो चल रहा है, एक काम जो कंप्लीट हो चुका है, और एक पढ़ा हमने जो अभी पता ही नहीं कि चल रहा है कि कंप्लीट है, वो बस नॉर्मल है। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये खामा खां का टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का कोई काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामर का रूल है इसलिए हमें पढ़ना है ये। अगर आपने पढ़ लिया तो इसे भी आसानी से पढ़ लोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम टाइम और वर्क के बेसिस पे टेंस को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के बनते हैं इन दोनों के मिक्सचर से। तो आइए देखते हैं क्या है। तो टाइम कितने तरह का हुआ, एक तो हुआ प्रेजेंट, एक हुआ था हमारा पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है, ये तो हो गया टाइम। अच्छा वर्क कौन कौन से होंगे, वर्क को देखते हैं आइए। तो वर्क में हमने देखा था एक तो था हमारा इंडेफिनिट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं इंडेफिनिट, एक था हमारा कंटिन्यूअस, एक था हमारा परफेक्ट, और एक था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होगा, ऐसा हो सकता है, हाँ जी प्रेजेंट में काम हो रहा, टाइम जो है वो प्रेजेंट में, काम है हमारा इंडेफिनिट, ऐसे टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा कंटिन्यूअस, और ऐसे ही टाइम है हमारा प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट, टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने टाइप के हो गए, ये हो गए जी चार टाइप के, कितने चार टाइप के। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट टेंस के हमारे चार टाइप होते हैं, और वो चार टाइप इस तरह से होते हैं। इनके नाम को हमने समझना सीख ही लिया है कि इनके नाम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है और कितना हो चुका है। तो ये हमने समझ लिया, अच्छा बिल्कुल समझ में आया। अब एक सवाल और, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में ये काम के बेस पे हमने ने चार में कैटेगराइज किया, तो क्या पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? अब ये सवाल आता है, क्या ऐसा ही पास्ट और फ्यूचर में होगा? बिल्कुल होगा, वेरी लॉजिकल, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जिस तरह यहां हुआ ऐसे ही यहां पर भी होगा, यहां भी पास्ट का क्या होगा, एक इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर में भी यही चेंज चलेगी? हाँ जी बिल्कुल चलेगी, ऐसा होगा कि काम कोई फ्यूचर, जो टाइम होगा उस काम का वो फ्यूचर में होगा, टाइम पता लग गया फ्यूचर का है, लेकिन जो काम हो रहा होगा, जो एक्टिविटी हो रही होगी, वो कैसी होगी, वो शायद कंटिन्यूअस हो, शायद इंडेफिनिट हो, शायद परफेक्ट हो, शायद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें क्या पता, हमें तो रूल से मतलब है। इंडेफिनिट इसका भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ये कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि जी चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, तीन होते हैं, इनके टोटल 12 ये वो। अरे नहीं सर, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, टाइम वर्क दिमाग में ये बैठा लो, अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जादुई शक्तियां जो भी हैं आपके अंदर, ये समझ लो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे इनको कैटेगराइज इजीली कर लोगे। अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब हमें यह समझ आ चुका है कि टेंसेस होते क्या हैं और उनके टाइप्स किस तरह से बने हैं। सर आज तक आपने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो बनते कैसे हैं। हम इस वीडियो में यह डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप बने कैसे, यह इंपॉर्टेंट बात थी। इनको कैटेगराइज हम बिना रटे कैसे करें, यह इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब हमारा एक ब्रॉड जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की वो हो चुकी है, अब हमारे को क्लियर कट आइडिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सब के अब हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। ये तो बहुत सारे हैं, 12 ये हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, कैसे याद रखेंगे ये भी ट्रिक है। दोस्तों अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां मुझे आपका 100% and 200% कंसंट्रेशन चाहिए। ये कंसंट्रेशन आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है। ये कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सारे टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए अभी समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कॉम्पिटिशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए हो, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों में आपकी पहचान कैसे हो? आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए या क्या होता है? ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं ना एक डिफरेंट कलर की जैकेट्स पहना देता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड जैकेट के अंदर, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी, एक और स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब ये तीन कलर की जैकेट में हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हमें क्या याद रखना है? हमें तो बस ये याद रखना है ना कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कलर की जैकेट में है। जो भी रेड कलर की जैकेट में होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें टेंशन ही नहीं है, हम तो रेड देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं और उनके चार और वर्क वाले टाइप होते हैं, ये हमने सीख लिया था। टेंसेस कितने, वक्त कितने तरह का होता है, काम कितने तरह के होते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया। अब उनकी पहचान, ऐसे ही टेंसेस में हमने रेड जैकेट पहनानी है, कुछ बच्चों को हमें येलो जैकेट पहनानी है, कुछ को ग्रीन जैकेट पहनानी है। जी हाँ, ये जो हमने तीन जैकेट पहनाई ना, वो ऐसे पहनाई कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी? वो होंगी हमारी डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ये हमें याद रखना है कि ये जब भी होंगे ना, प्रेजेंट हमें दिखाना होगा, तो हम इन इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे, डू, डज, इज, एम या आर, हैज या हैव, ये याद रखना है। अच्छा, और स्कूल के बच्चों को हम क्या पहनाते हैं? पास्ट वालों को। अब कभी भी टाइम हो पास्ट टेंस में, तो उसकी पहचान के लिए कि वो टाइम कैसे पहचाने, उसके लिए हमने जैकेट कौन सी पहनाई? मान लीजिए हमने ग्रीन जैकेट पहनाई, तो डू डज का हमने करा डिड, इज एम आर का करा हमने वॉज या फिर वर, हैज हैव का हमने कर दिया सिंपल हैट। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स को भी तो हमने डिफरेंट जैकेट पहनाई। हमने क्या किया, फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस ये जैकेट पहन लीजिए, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने करा विल, शैल। मेनली यही रखना है हमें याद, विल, शैल ही होगा। आगे वैसे होता है विल, शैल, हैव भी अगर एक साथ हो तब भी आप समझ लेंगे फ्यूचर। मेन आपको इस पे फोकस करना है, विल, शैल, इसकी बात जब करेंगे तब और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। तो अभी सिर्फ पहचान के लिए टेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते हुए किसी भी सेंटेंस की हमें यह ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा,
काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डूडल इज एम आर है, तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड वॉज वर हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मान लीजिए शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे नहीं पता इसकी अभी हिंदी क्या है, मैंने तो इसको अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं समझ जाऊं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? जी हां, बिल्कुल सही जवाब, डज आ रहा है यहां पे। डज समझते ही मेरे को पता चली इसका टाइम तो प्रेजेंट है, बात खत्म हुई। अभी हमने वर्क की बात नहीं करी, काम क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड का यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि काम के काम को कैसे समझेंगे, अभी हम वर्क टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम में हमने समझ लिया डज को देखते ही कि ये प्रेजेंट में बात हुई है। सर काम का भी बता दो ना, सर ऐसे ही काम का भी तो बता दो कि काम को कैसे पहचाने कि वो कितना हो चुका है। टाइम तो अब समझ गए, टाइम तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब देखते ही छूटते ही समझ जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। अब काम का बता दो, क्या काम का भी कोई ऐसा रूल है? जी हां है रूल। रूल क्या है? जो हमारी वर्ब होती है ना मेन वर्ब, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं जो भी वर्ब होती है। मान लीजिए गो है ना, तो गो तो ही उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तीन फॉर्म्स होती हैं जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होती है, उनकी थर्ड फॉर्म, जितनी तीनों फॉर्म्स हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि तीन फॉर्म्स होती हैं, आपको पता भी होगा बहुत सो को, तो आपको अब इसके थ्रू पहचान करनी कि काम कितना हुआ है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वो है इंडेफिनिट। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझ लेना वो इंडेफिनिट है, मेनली वो इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आई एन जी लगा हो, क्या लगा हो? ing, सर इसका मतलब क्या हुआ? ing मतलब ऐसे जैसे कि क्या मैंने आपके आगे लिख दिया रीडिंग, रीड के आगे क्या लगा दिया जमा ing, पूरा क्या बन गया रीडिंग। ऐसे मैंने लिख दिया कम और आखिर में क्या लिख दिया मैंने कमिंग, तो रीडिंग कमिंग गोइंग लिसनिंग टीचिंग वॉचिंग जितने भी ing लगे हुए हैं, तो याद रखना मेरी बात, ये ing दिखाता है काम के चलते रहने को, यानी वो काम चल रहा है अभी। तो ing देखो माइंड में एकदम क्लिक कर लो कि इस ing वर्ब जो हो रही है वो भी चल रही है, कुछ और मत देखो। जब भी वर्ब के साथ ing लगी हो मेन वर्ब के साथ, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ है, कि वो काम अभी चल रहा है। अच्छा, तो दो बातें भी पढ़ ली, फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंडेफिनेट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है तो वो क्या हो गया कंटिन्यूअस हुआ। अच्छा, अब मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो क्या होता है? थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म का मतलब ही अपने आप में होता है पूरा हो चुका होना। जैसे कि मैंने आपसे कहा शी हैज गॉन, गॉन वर्ड यहां पर यूज किया, क्या यूज किया? ये वाला गॉन यूज कर लिया। अब इस गॉन का मतलब ही पता क्या है? गया हुआ। इसका मतलब जाना नहीं बन जाता, अब इसका मतलब ही हो गया गया हुआ। ऐसे मैंने एक वर्ड यूज किया टायर्ड, टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। तो परफेक्ट में भी क्या होता है? परफेक्ट में होता ही यह है कि काम पूरा हो चुका होता है, यानी मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म हुई तो हमें उसका अंदाजा लग गया कि ये टेंस में जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, यानी वो पूरा हो चुका है, यानी अब हमें वर्ब को देख के भी अंदाजा लग गया है। एक बार इसको समराइज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनेट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तो काम चल रहा है कंटिन्यूअस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा क्या होगा परफेक्ट होगा। टाइम को देखकर, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर, जैकेट्स को देखकर टाइम पता चल गया, वर्ब को देखकर वर्ब पता चल गया, टेंस का पूरा रूल पता चल गया। आइए अब इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं। हम बहुत आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, और हमारा टारगेट है आज टेंस को सीखना। तो गाइज, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं वो सब हम अब समझ चुके हैं। अब टाइम आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम अपनी आदतों को बताने के लिए, अपना शेड्यूल बताने के लिए और अपना रूटीन बताने के लिए करते हैं। जी हां, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे तो यही वाले बातें बताओगे
इन्हीं सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करोगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखना न्यूज़पेपर्स के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत यूज किया जाता है, तो ये एक अलग चीज है। बाकी जो हमने तीन यूजेस पढ़े वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अच्छा, हिंदी में सर कैसे पहचानूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा यहां पे? उसको पहचानने के लिए तरीका सुनिए। अब आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके आखिर में क्या आवाज निकले, ता है, ती है, ते है, तो हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां लगा देना, बिना सोचे समझे बस लगा डालना, अगर ये वाली पहचान आप देखते हो। सेंटेंस कैसे ताहती है देखोगे, ऐसे देखना जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, जाता हूं, मेरी मम्मी खाना पकाती है, तुम वहां क्या करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये हिंदी की पहचानें मैंने आपको बता दी। लेकिन इसका हमेशा इस्तेमाल मत करना, पता चला पूरी जिंदगी आप बस यही इस्तेमाल सीख के पहचान कर रहे हो, नो, ये तो अभी बेसिक्स के लिए बताया है, ये आपकी एक मदद की गई है। असली रूल तो आपको ऐसे ही याद करना है, कैसे, कि जहां आदतें होंगी, जहां पे आपको इंडेफिनेट और प्रेजेंट टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट का काम कैसा होगा इंडेफिनेट का, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है रूल अफर्मेटिव के लिए। अब ये सर अफर्मेटिव क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं जाता हूं, मैं वहां क्रिकेट खेलता हूं, ये सारे तो हो गए अफर्मेटिव के, यानी इनमें हां में बात हुई, हां ये मैं काम करता हूं। ऐसे मैंने कहा जो मैं काम नहीं करता उनके लिए क्या होगा, तो इसी बिहाफ पे, इसी बेसिस पे हमने क्या करा, सेंटेंस को कैटेगराइज कर रखा है। मेनली हम तीन कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। आपने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े होंगे, बाकी हम यहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव जिसमें हम हां में बात करते हैं, जी हां ये काम हम करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं हां जी ये काम तो मैं करता हूं, ठीक है, तो उनके लिए आप कैसे इंग्लिश बनाओगे, उनकी ट्रांसलेशन कैसे करोगे, उसको समझते हैं। अफर्मेटिव किसी का भी हो, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है, यानी हां में बात हो रही हो, तो सबसे पहले आप लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जो काम करता है उसका नाम आ जाएगा, उसकी इंग्लिश यहां पर आ जाएगी। जैसे कि अब ये मैं है, तो मैं यहां पर क्या है, काम करने वाला है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट बना, मैं इसका सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूल तो हमारे यहां लिखे हुए तो है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट कब लगेगी, जब इंडेफिनेट होगा, तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई सर। यहां पे आपको हमने रीजन भी दिया, वजह भी दी कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप रट रहे हो, तो सर ये वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सब साथी इसको रटेंगे नहीं और इसको ऐसे ही समझेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये रीजन जानने के बाद मजा आया हो। तो यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट, कौन सी लगी, हां फर्स्ट लगी, बिल्कुल कोई सोचना ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है। अब एस या ईएस लगेगा, वो कब लगेगा, वो तब लगेगा, वैसे इसके बारे में तो हमने बता रखा है, हमारी एक एरर डिटेक्शन की वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एस या ईएस कब आएगा। अब दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूं, एस या ईएस तब लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन कौन सा, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो, और वो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, अगर थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर हो, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वो हमारा सब्जेक्ट है, तब हम लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं, जैसे सेंटेंस है मेरा, कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल कौन, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की गई है, यानी वो फर्स्ट पर्सन नहीं, कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा है। तो कुणाल थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो सिंगुलर है, हां कुणाल एक व्यक्ति है, तो उसके साथ मेन वर्ब जो भी होगी हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। अच्छा, लास्ट में फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, अफर्मेटिव हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, सब्जेक्ट क्या, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अच्छा, आई के साथ एस या ईएस लगा दूं क्या,
लगाऊंगा क्या, दिमाग में सोचो, सब्जेक्ट सोचते ही ऐसी इसका दिमाग में ख्याल आना चाहिए, आई तो ऐसा लग रहा है सिंगुलर, अरे नहीं मुझे मतलब ही नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, मुझे देखना है थर्ड पर्सन है कि नहीं, पहले तो ये देखो ना कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, नहीं जी ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ऐसी आईएस का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, एसईएस नहीं लगाएंगे। ओहो मजा आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूंगा मैं मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्मानी, मेन वर्क क्या है इसमें, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है राइट, तो यहां हम क्या लिख देंगे राइट, हम भी राइट कर देंगे, ठीक है आई राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके ऊपर लिखा जा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं लिखूंगा आई राइट ऑन, और हमारा क्या आ जाएगा व्हाइट बोर्ड, मैंने कोई भी सेंटेंस रटने की कोशिश ही नहीं करी, मैंने बस रूल देखा और कर लिया।